चलिए चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। जी हाँ, गुजरात के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से गुजरात में भूपेंद्र 2.0 सरकार का आगाज हो चुका है। आज भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। जी हाँ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। शपथ ग्रहण के लिए खास तैयारियां की गई। इस दौरान कई रंग भी देखने को मिले, आप भी देखिए। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, हमें सौगंध लौ छू के ईश्वरना नामे सौगंध लौ छू के। इसी के साथ भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की बागडोर दूसरी बार संभाल ली। वैसे तो समारोह शपथ ग्रहण का था, लेकिन एनडीए के दिग्गजों, बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस समारोह को खास बना दिया। जहाँ तक नजरें जा रही थी, माहौल भगवा रंग में रंगा था। भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद थे और गृह मंत्री के अलावा जेपी नड्डा की भी मौजूदगी वहां थी। शपथ ग्रहण करीब 2 बजे शुरू हुआ। पहले पीएम मोदी मंच पर आए, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई। सबसे पहले भूपेंद्र पटेल ने गुजराती में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उनकी बधाई स्वीकार की। भूपेंद्र पटेल गुजरात की सियासत का सबसे सौम्य चेहरा माने जाते हैं। वो पीएम मोदी के लिए उनके मृदु भाई हैं और बाकी उन्हें प्यार से दादा पुकारते हैं। सादा पहनावा और नेताओं की भीड़ में अलग दिखने वाले भूपेंद्र डंके की चोट पर फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं फैसला लेने और उस पर टिके रहने का स्वभाव भूपेंद्र भाई को खास बनाता है। गुजरात में लोकप्रियता की जिस ऊंचाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने छुआ है, आज भूपेंद्र पटेल भी लोकप्रियता की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं पीएम मोदी और भूपेंद्र पटेल के बीच समन्वय जबरदस्त है। इसी वजह से जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने जनता से भूपेंद्र को जिताने के लिए नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की, तो जनता ने भूपेंद्र भाई की झोली में 83% वोट भर दिए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भले ही 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन इसका रंग सुबह से ही जमने लगा था। सुबह से ही ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने नई सरकार के स्वागत में रंग जमा लिया था। सुबह 6 बजे से ही बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता कलश के साथ मेहमानों के स्वागत और जीत का जश्न मनाने में जुट गई थी। यहाँ पर कलश मौजूद है जो कि संस्कृति में शुभ माना जाता है। एक और यहाँ पर कलश बनाया गया है जिसके ऊपर नारियल रखा गया है, ये भी शुभ संकेत है। अब की जीत इतनी भव्य हुई है, जीत इतनी ऐतिहासिक है, और खासकर की ये महिला मोर्चा कहती है उनका एक बड़ा योगदान रहा है इस जीत में। तो फिर आज सुबह तड़के 6 बजे से तमाम महिलाएं तैयार होके सज धज के हाथ में ये कलश लेके आज तैयार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई पारी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उम्मीद यही है कि दिल्ली में नरेंद्र और गांधीनगर में भूपेंद्र की जोड़ी गुजरात में विकास का नया अध्याय लिखेगी। आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भूपेंद्र पटेल के शपथ को उत्सव में बदला है, उससे साफ है कि गुजरात में भूपेंद्र भाई की जीत का असर 2024 के चुनाव तक रहने वाला है। गांधीनगर से कोपी खांगर और पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस रैगिंग केस की जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। मामला इंदौर का है और इस केस को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में सुलझाया है, और इस केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई है महिला सिपाही शालिनी चौहान ने। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़ा हुआ है। कॉलेज से रैगिंग की ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बड़े ही खुफिया अंदाज में महिला सिपाही शालिनी चौहान को मेडिकल स्टूडेंट बनाकर कॉलेज भेजा। अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान रोज कैंपस पहुंचती थी, उनके हाथों में किताबों से भरा बैग होता था। रोजाना कॉलेज की कैंटीन में पहले फ्रेशर्स से दोस्ती की, इसके बाद उनके जरिए तमाम सबूत जुटाए। शालिनी करीब 5 महीने तक इस मिशन में लगी रही और आखिरकार केस सुलझा लिया गया। खुद शालिनी और थाना प्रभारी तहजीब काजी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शालिनी, मैं सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूंगी, हालांकि
बहुत टफ था, कॉलेजेस में सुना था, कहा जाता था, लेकिन अब तो आप बाकायदा वहां पर गई, आपने जिस तरीके से इस पूरे केस को क्रैक किया, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा वहां पर? सबसे बड़ा चैलेंज दोस्ती करना लगा, क्योंकि वहाँ जो बेंच थे वो लोग मुझसे पूछते थे कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो, आपका आपके चैलेंज एग्जाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो मुझे थोड़ा उस चीज का डर लगता था, लेकिन मैं बात को वहाँ से घुमा कर और निकल जाती थी ताकि किसी को कुछ पता न चले। जी तहजीब भी आपके साथ है, तहजीब जब इनको अंडरकवर कॉप बनकर जाना था तो इसके लिए क्या आपने इनके साथ कोई तैयारियों में मदद की, क्या इनको बताया गया कि किस तरह से इन्हें बिहेव करना है, किस तरह के कपड़े पहनकर जाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, क्या कोई थोड़ी बहुत कुछ दिन की ट्रेनिंग भी रखी गई थी? जो पूरी टीम थी, पूरी टीम को ही ब्रीफ करते थे हम लोग, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो भी ब्रीफ करते थे कि किस प्रकार से करना। पहले तो हमने इनको ये चीज बताया था टीम को पूरी की, जो अपनी पुलिस की आइडेंटिटी वो बिल्कुल नहीं शो होना चाहिए वहाँ पर, और अपनी जो हमने प्लान की थी वो आइडेंटिटी वहाँ पर डिस्क्लोज करना है। तो किसी को नर्स बनाया था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई कैंटीन में काम करने वाला, या जो मेडिकल कॉलेज था उसके आसपास की जो कैफे वगैरह जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ कर चाय वगैरह पीते थे, ऐसी जगहों पर हमने ऐसे प्लान किया था पूरा। तो वो उसके जो चीज करते वो इनको समझा दिया गया था, बता दिया गया था कि आपको क्या बताना। तो वहाँ से कैंटीन में सभी तरह के आते हैं, फ्रेशर भी आते हैं, सीनियर भी आते हैं, सभी आते हैं। तो वहाँ मौका देख के जिसको जैसा मौका मिले ऐसा बताना इनको, इसके लिए ट्रेन करा गया था, बताया गया था, बताया था किस प्रकार से बिहेव करना है। बिल्कुल शालिनी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी बधाई की पात्र हैं, क्योंकि आपने जो ये क्रैक किया है बहुत बहुत मुश्किल से ये आपने कर पाया होगा, और जिस तरह से तहजीब भी बता रहे हैं तमाम चीजों को, एक बकायदा ट्रेनिंग और उसके बाद यहां जाना, ये बताइए कि एक तो बहुत कम उम्र है आपकी, उसमें इतना बड़ा टास्क आपको ये मिला था करने का जिसमें आपको सफलता भी मिली, इससे पहले भी आपने इस तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है या ये पहली बार था? जी नहीं दिया, ये पहली बार था, और ये सब मैं सिर्फ अपने जो श्रीमान खाना प्रभाव महोदय है उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया है, हमारी तो पूरी टीम थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैं ये कुछ कर पाई या पाई करना नहीं करता। जी जी शालिनी, तहजीब आपसे जानना चाहूंगी कि बड़े ही फिल्मी अंदाज में आपने इस केस को सुलझाया है और इसीलिए ये केस जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जी वो एक्चुअल में क्या है, जब ये केस लॉन्च किया था हमारे यहाँ पर FIR लॉन्च हुई थी, जब हमने सोचा था कि बहुत मामूली टाइप का केस है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पर जब स्टेटमेंट लेने के लिए गए, जो जानकारी लेना थी वो नहीं मिलने लगी, फिर बाद में टेक्निकल की जानकारी हमने लेने की, फेसबुक व्हाट्सअप पे लेने की कोशिश की, वहाँ से नहीं मिली, जो हेल्पलाइन थी वहाँ से कंप्लेनेंट के लिए लेने की कोशिश की, नहीं मिली, तो फिर पूरा ब्लाइंड हो गया था। तब हमको लगने लगा था कि अब इसमें खात्मा जाएगा, पर जब ये लगा कि ऐसा इनपुट आया कि वहाँ पे रैगिंग तो होती है, और अगर रैगिंग में अपन ने इसमें खात्मा लगा दिया तो फिर ये प्रथा टाइप की बन जाएगी, और जो करने वाले हैं उनका हिम्मत बढ़ेगी, और जो जूनियर है उनका मनोबल डाउन होगा। तो इसलिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि इसमें अपनी जो पुलिस की परंपरागत पद्धति होती है जो गोपनीय रूप से पूछताछ करना उपयोग किया जाए, तो हमने इसलिए किया, इसको इसीलिए हमने किया था। शालिनी, क्या कॉलेज की तरफ से कॉलेज प्रशासन ने भी कोई मदद की, क्या उसको इस बात का इल्म था कि इस तरीके से आप लोग कॉलेज में एंटर करके इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका मिशन है वहां पर? अच्छा, कॉलेज में भी किसी को नहीं पता था, पर आप फिर जब कॉलेज के अंदर जाती थी, दाखिले के लिए आपको पास वगैरह दिखाना पड़ता होगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता होगा, क्या कभी कोई दिक्कत सामने आई? शालिनी आप तक आवाज आ रही है? एक बार फिर नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती थी, लेकिन जिन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप थी और उनसे मैं बातचीत करती थी तो वो लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं जैसे तैसे बातों को घुमा कर वहां से निकल जाती। बिल्कुल, तो शालिनी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बताइए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आपने जानने की कोशिश तो की, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन ही वहां पर करना था, लेकिन कुछ दोस्त भी आपके बने होंगे क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट वहां पर गई होंगी, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी मदद की हो, या फिर कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे सामने जिक्र करना चाहेंगी?
ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जिन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप थी उन्हें मैंने अपने बारे में भी कुछ पर्सनल जानकारी दी जाती है, मुझसे भी फ्रेंड्स भी हो और मुझे सारी बात बताए, तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम बताया जो कि ऐसा होता है, तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उन्होंने। शालिनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। और अब रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। बता दें आपको कि अब मिशन जो है उसकी बात करेंगे, उस मिशन की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और वो है नासा का मून मिशन। नासा ने अपने नए मून मिशन का पहला चरण पूरा कर लिया है। 25 दिनों तक चांद का सफर करने के बाद नासा का स्पेस कैप्सूल आर्टेमिस 1 सुरक्षित धरती पर लौट आया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नासा के मून मिशन की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आर्टेमिस 1 अब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की नई राह दिखा रहा है और इसी राह पर चलकर आने वाले वक्त में इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखेगा। नासा की योजना 2026 तक एस्ट्रोनॉट्स को फिर से चांद पर लैंड कराने की है। अनंत अंतरिक्ष में 25 दिनों का लंबा सफर, 23 लाख किलोमीटर की निरंतर यात्रा और सुरक्षित वापसी के साथ एक नए युग का आगाज। 3 पैराशूट के साथ जब आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल समंदर की लहरों पर उतरा तो ये मौका सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गया। आर्टेमिस की ये सुरक्षित वापसी वैज्ञानिकों को चांद पर फतह हासिल करने की राह दिखा रही है। नासा ने 53 साल बाद अपनी मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। 15 नवंबर को आर्टेमिस ने चांद की तरफ अपने सफर का आगाज किया। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम था। आर्टेमिस 1 ने 25 दिनों तक अंतरिक्ष में बिना किसी दिक्कत के अपना सफर पूरा किया। इस दौरान आर्टेमिस ने करीब 22,53,000 किलोमीटर का सफर तय किया। आर्टेमिस 1 ने चांद के चक्कर लगाए और कुछ अहम जानकारियां जुटाने के बाद वो धरती की तरफ रवाना हुआ। रविवार रात करीब 11:10 पर आर्टेमिस का ओरियन कैप्सूल मैक्सिको के ग्वाडालू द्वीप के पास प्रशांत महासागर में उतरा। ओरियन कैप्सूल की सुरक्षित वापसी नासा के वैज्ञानिकों के लिए राहत और कामयाबी का पैगाम थी। इस कैप्सूल को सुरक्षित लौटाना ही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी कैप्सूल में भविष्य में अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। वापसी के सफर में ओरियन कैप्सूल को वायुमंडल में आते ही हजारों डिग्री के तापमान का सामना करना पड़ता है। जरा सी तकनीकी खामी चंद सेकंड में ओरियन को झुलसा सकती थी। वायुमंडल में ओरियन की सुरक्षित एंट्री के लिए नासा ने स्किप एंट्री तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें अलग अलग चरणों में ओरियन ने वापसी का सफर पूरा किया। आखिरी चरण में ओरियन पैराशूट की मदद से समंदर की लहरों पर आसानी से लैंड कर गया। This is a great day not only for America, but it's a great day for all of our international partners. That's a difference from 50 years ago. 50 years ago, we went as a country, as a government. Today, we go with not only international partners, but also commercial partners. And so, it is the beginning of the new beginning, and that is to explore the heavens. आर्टेमिस 1 की इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये जानना था कि चांद का सफर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितना सुरक्षित है। यही वजह है कि नासा ने अपने मून मिशन को आर्टेमिस 1, 2 और 3 के जरिए 3 स्टेज में पूरा करने की योजना बनाई है। आर्टेमिस 1 को नासा एक टेस्ट फ्लाइट के तौर पर देख रहा है। इस मिशन के लिए नासा ने अपने नए ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS मेगा रॉकेट का इस्तेमाल किया था। आर्टेमिस 1 की सफल यात्रा के साथ ही ये भी साबित हो गया कि SLS मेगा रॉकेट चांद के सफर के लिए तैयार है। आगे नासा की योजना साल 2024 में आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की है। आर्टेमिस 2 में कुछ अंतरिक्ष यात्री भी होंगे, हालांकि ये चांद के सतह पर कदम नहीं रखेंगे, ये अंतरिक्ष यात्री चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आएंगे। 2025-26 में नासा आर्टेमिस 1 को रवाना करेगा, इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री चांद के सतह पर कदम रखेंगे। नासा की योजना आर्टेमिस 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारने की है। यहां अंतरिक्ष यात्री चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी पर शोध करेंगे। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह दिखा रहा है। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। अगर ये मिशन पूरी तरह कामयाब रहा तो ये विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उस रक्षा कवच की जो देश के जवानों को -60 डिग्री तापमान में भी सुरक्षा प्रदान करेगा।
ये खास रक्षा कवच तैयार किया है आईआईटी दिल्ली ने। बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात हमारे जवानों के लिए ये कवच एक बड़ी सौगात है। जी दरअसल ये रक्षा कवच एक जैकेट है। ये भीषण सर्दी से बचाने वाली जैकेट का वजन बेहद कम है, मतलब ये जवानों को माइनस तापमान से तो बचाएगा ही, साथ ही उसका बोझ बढ़ाएगा भी नहीं। और क्या खासियत है इस जैकेट की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियाचिन की सर्दी में जवानों की जान बचाने वाली सौगात, माइनस 60 तक लुढ़के पारे से मुकाबले वाली सौगात, कड़कड़ाती ठंड में ड्यूटी पर हौसला बढ़ाने वाली सौगात, हार्ड कपा देने वाली ठंड में हिफाजत करेगा जवानों का नया कवच। और ये कवच तैयार किया है आईआईटी दिल्ली ने। देश की सुरक्षा में हमारे जवानों को बर्फीले पहाड़ों में तैनात रहना पड़ता है, जहां कई डिग्री माइनस तापमान उनकी परीक्षा लेता है। ऐसे में उन्हें जरूरत होती है एक ऐसे कवच की जो उन्हें माइनस तापमान की मार से बचा सके। तो जवानों के लिए वो रक्षा कवच तैयार है इस जैकेट की शक्ल में। ये जैकेट जवानों को माइनस 60 डिग्री तापमान से बचाने में सक्षम है। आईआईटी दिल्ली में है हम, इंडस्ट्री डे चल रहा है और आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनोवेशन एक्सपेरिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं जो सोसाइटी में, समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम एक बहुत खास चीज दिखाते हैं। पहले भी आपने इसे जैकेट देखी होंगी, ये जो पूरा सूट है ये हमारे देश के जवानों के लिए तैयार किया गया है, खासकर उन ठंडे इलाकों के लिए जहां पर टेम्परेचर माइनस 60 डिग्री के आसपास होता है। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और उन जवानों के लिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर उन्हें ठंड से बचाने के लिए इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार किया गया। सेना को सुविधाओं से लगातार लैस किया जा रहा है। ये नया कवच एक ऐसा जैकेट है जो जवानों को भयानक ठंड से लड़ने का नया हथियार बनेगा। ये नया कवच एक ऐसी जैकेट है जो जवानों को भयानक ठंड से लड़ने का नया हथियार बनेगी। ये जैकेट सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में बर्फ के प्रकोप से बचाएगी। दांत किटकिटाने वाली ठंड में ये जवानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। इसे तैयार किया है आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने इसका प्रदर्शन डिफे एक्सपो 2022 में किया। सबसे पहले इस जैकेट की खूबियों को समझ लीजिए। ये जो आउटर लेयर है, जो विंड चिल होता है, जो बहुत हवा आता है ठंडी, उसके लिए हम यूज किया है। इसके बाद जो है ये थर्मल इंसुलेशन है जो इंसुलेट करेगा, और ये जो फेस फैब्रिक है ये एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि जवान बहुत दिन तक इसको पहन के रह सकते, लाइक 6 महीने के लिए पहन के ऊपर हम जाते हैं जवान तो वो पहन के रह सकते हैं। इसके लिए 3 डिफरेंट लेयर बना हुआ है। इसे दुनिया की सबसे हल्की जैकेट बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बावजूद जवानों को किसी किस्म के इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। अभी जो यूज हो रहा है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो जैकेट है ये इंडिया में बना हुआ है और इसका खासियत है ये माइनस 60 डिग्री तक जा सकता है ये पहन के, जो इंडिया में कभी नहीं बना है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, लाइक नेक्स्ट 4 किलो से कम है इसका वेट, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और बाहर के, मतलब पूरा वर्ल्ड में ये सबसे लाइट वेट जैकेट। इसके अलावा फायर फाइटर्स के लिए भी एक जैकेट तैयार की गई है जो आग से मुकाबला करने में जवानों की मदद करने वाली है। इसके अलावा कई और प्रोडक्ट भी संस्थान ने तैयार किए हैं, मसलन बायोगैस से चलने वाला स्कूटर और ईवी चार्जर, जिनकी अपनी खूबियां हैं। ये दुर्गम हालात में भी सेना या फिर उसके काफिले को कई तरह की सुविधाएं प्रदान कराने की कुवत रखते हैं। बहरहाल एक्सपो में मौजूद प्रोडक्ट साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए ये प्रतिभाएं पूंजी की तरह हैं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं कश्मीर का। घाटी में इन दिनों जन्नत का नजारा है क्योंकि कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ये सीजन पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। लिहाजा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मकसद में कश्मीर में चिलई कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जश्न ए चिलई कला फेस्टिवल का आयोजन शोपिया में किया गया है। इस कार्यक्रम में कश्मीर की लोक संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होने का मौका मिला। महोत्सव में कश्मीर के हस्तशिल्प का भी प्रदर्शन किया गया। बीते 3 बरस में घाटी की कई बदली बदली तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें सुनहरे और यादगार रंग बिखरे पड़े हैं। ऐसी ही एक खुशनुमा तस्वीर ये भी है जो वादियों के युवाओं और यहाँ के कल्चर के नाम है। इसमें लोगों को गाते, झूमते और खुशियां मनाते देखा जा सकता है। गोलियों की गर्जना से दूर गीतों की ये गूंज बताने के लिए काफी है कि हालात बदलते ही
तस्वीरें बदल जाती हैं। ये तस्वीरें सेना की तरफ से आयोजित किए गए जश्न चिल्लई कलां की है, जिसका तीसरी बार आयोजन शोपियां में किया गया। कश्मीर की संस्कृति के संरक्षण के लिए होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को जोड़ना रहा। इसकी शुरुआत कबूतर उड़ाकर की गई। यहाँ घाटी के युवाओं ने गीत संगीत के कार्यक्रम पेश किए, जिसमें कश्मीर की लोक संस्कृति की खुशबू बिखरी नजर आई। जनता के लिए सभी का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, लोगों से नजदीकियां और बढ़े, प्रशासन और इतने भी फोर्सेस हैं खासकर आर्मी का, उनकी नजदीकियां और बढ़े लोगों में, और मतलब एक तरीके से कोऑपरेशन की भावना पैदा हो, इसलिए ऐसा उसके मद्देनजर प्रोग्राम हुआ। दो दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करने दूर दराज से लोग भी आए हैं। यहाँ कश्मीरियों के प्रोडक्ट्स, जिनमें क्राफ्ट, फूड और दूसरी चीजें शामिल हैं, उनकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। शुक्रिया कहना चाहेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है ये सब चीजों की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हमारी यंग जनरेशन है ड्रग के साथ लग गई है, उससे बेटर है कि अगर वो म्यूजिक के साथ या किसी भी एक्टिविटी के साथ लगे। कड़ाके की ठंड में होने वाले इस आयोजन से न केवल कश्मीरी संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि सेना और युवाओं के बीच फासले घटाने की भी कोशिश होती है, जिसको यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। एक ऐसा फेस्टिवल है जो साफ साफ ये दिखाता है कि अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो विंटर टूरिज्म ना सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि शोपियन में भी देखा जा सकता है, सेलिब्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे आई हुई सारी आवाम ये साफ साफ दिखाती है कि पोटेंशियल कितना है डिस्ट्रिक्ट शोपियन में, अगर हम बात करें टैलेंट की, म्यूजिक की, कल्चर को प्रिजर्व करने की। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह भी सबाब पर है। उन्हें लगता है कि घाटी में ऐसे इक्के दुक्के आयोजन काफी हैं, इनकी तादाद बढ़ने से ज्यादा फायदा है। आज ये इवेंट जस्टिस चिल्लई कलां हो रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हमें अच्छा लग रहा है, खास करके अगर ऐसे और ज्यादा प्रोग्राम होते तो यूथ के लिए अच्छा था, खासकर जो आर्टिस्ट है उनको और ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा जो रोजगार है वो इसी से जुड़ा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं टूरिज्म से, अकेडमी से, कि वो ऐसे और भी ज्यादा इवेंट्स हो। घाटी में इस तरह के आयोजन न केवल घाटी में विकास और बदलती सोच की कहानी बयां कर रहे हैं, बल्कि टूरिज्म की नई संभावनाओं का भी दरवाजा खोल रहे हैं। जाहिर है रफ्ता रफ्ता ही सही, ये आयोजन जब रफ्तार पकड़ेगा तो इसमें देश भर के लोग भी जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का और मिलवाते हैं एक स्पेशल चाय वाले से। इन्हें स्पेशल चाय वाला बना दिया है इनके मार्केटिंग स्टाइल ने। अपनी चाय की मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने ऐसा तरीका अपनाया कि पूरे शहर में ही इनके चर्चे हो गए। और देखिए चाय पर चर्चा में भी आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इन जनाब ने अपनी चाय की दुकान को जेल की शक्ल दे दी है और दुकान में जो केबिन बनाए हैं उन्हें लॉकअप की तरह तैयार किया गया है और उनका ये स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोगों ने उन्हें नाम दे दिया है कैदी चाय वाला। सलाखों के पीछे चाय की चुस्की लेते ये लोग कोई कैदी नहीं है और ना ही ये कोई जेल है। असल में ये एक चाय की दुकान है जिसकी बनावट जेल के जैसी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेल की तरह बनाई गई इस चाय की दुकान की चर्चा चारों ओर है। अमूमन जेल के नाम से ही लोगों के मन में सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कैदी चाय वाला पूरी तरीके से जेल का वार्ड बना दिए हुए है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कैदी चाय वाला इस दुकान का नाम है और यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। यहाँ लॉकअप की तरह केबिन बने हुए हैं जिसमें बैठकर लोग सुकून से चाय की चुस्की का मजा ले सकते हैं। ये दुकान अपने नाम की वजह से चर्चा में बनी हुई है। कैसा फील हो रहा है? अब तो आप पूरा जेलर बन गए हैं। अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। पढ़ते हैं? हाँ जी। किस क्लास में? इंटर में पढ़ रहा हूँ। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? अभी तो आप जेलर लुक में बड़ा अच्छा लग रहे हैं। प्राइवेट चल रहा है। प्राइवेट चल रहा है। इस अलग तरह की दुकान को कैदी चाय वाला नाम दिया गया है जो अपने अलग अंदाज के लिए फेमस हो चुकी है। सलाखों के पीछे बैठकर चाय पीने का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस दुकान को लॉकअप की तरह ही डिजाइन किया गया है। इसे लोहे का ग्रिल बनाकर जेल जैसा बनाया गया है। यहाँ चाय कुल्हड़ में दी जाती है और चाय पीने के साथ साथ यहाँ लोग खूब गपशप भी करते हैं। अच्छा फीलिंग है,
बिहार में पहली बार देखने को मिल रहा है। इसे लोगों को एंजॉयमेंट का बहुत अच्छा साधन मिलेगा, चाय भी पिए और फ्रेश भी होगा, चाय का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इस दुकान को बिट्टू कुमार चलाते हैं। बिट्टू कुमार ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है। MBA पास करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय कुछ नया करने की सोची और आज उनकी इसी सोच का नतीजा है कैदी चाय वाला। आइडिया अचानक से माइंड में आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है, तो लोगों को चाहिए आज के टाइम में थोड़ा सा फ्रेशनेस की जरूरत है, तो थोड़ा सा अनोखा नाम, थोड़ा इनोवेटिव आइडिया होगा तभी लोग यहाँ पे आ पाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो दिया गया है सिस्टम वो एक फील करवाने के लिए केवल दिया गया, एक मनोरंजन का माध्यम। कितने तरह की चाय है यहाँ पे? लमसम 50 प्रकार की चाय आपको मिल जाएगी फ्लेवर में। इस दुकान में 50 अलग अलग तरह की चाय और कॉफी मिलती है। चाय कॉफी का जायका बढ़ाने के लिए यहाँ स्नैक्स की कई वैरायटी मौजूद हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं रीवा और करवाते हैं सैर एक शानदार टनल की, जो देश के इंजीनियर्स का कमाल है और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। जी हाँ, रीवा में बनी ये टनल मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी टनल है। ये टनल 6 लेन की है। टनल का लोकार्पण हो चुका है। अभी टनल अपनी इंजीनियरिंग और तमाम खासियत के चलते चर्चा में है। हाईवे पर हवा से बात करती ये गाड़ियां भारत के तरक्की का पैमाना है, जो ये बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं। और इसी हाईवे पर बनी ये टनल देश की नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। गुड सीधी मार्ग पर बनी ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन वाली टनल है। मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, बिंद में कम आता था। मैंने कहा था कि वहाँ 1 रुपया जाएगा तो यहाँ 1.25 रुपया आएगा। रीवा जिले के गुड़ इलाके की मोहनिया घाटी को बीच से काटकर 2 सुरंगें बनाई गई हैं। चुरहट्टा बाईपास में 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई हैं, जिसमें 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए है। दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ने के लिए अंदर 7 जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इस टनल के बन जाने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी घट गई है। पहले मोहनिया घाटी को पार करने के लिए 30 से 35 मिनट लगते थे, लेकिन अब ये सफर 3 से 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहाँ 35 से 40 मिनट लगते थे, वहाँ 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इस सुरंग के अंदर 46 पंखे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए जगह जगह CCTV कैमरे, फायर सिस्टम, कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। टनल के अंदर बारिश का पानी न भरे, इसलिए दोनों तरफ नालियां बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इस टनल का काम तय वक्त से 6 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। इस टनल के बनने से वक्त की बचत तो होगी ही, साथ ही उम्मीद की जा रही है कि ये इस इलाके में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। रविश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिसमस की कर लेते हैं। देखिए, क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भले अभी कुछ दिन बचे हों, लेकिन लोग अभी से जश्न के मूड में हैं और जश्न में डूबने लगे हैं। दरअसल क्रिसमस का रंग पूरी दुनिया में जमने लगा है। बिल्कुल, क्या अमेरिका और क्या यूरोप, लोगों का जोश काफी हाई है। बर्फबारी के बीच क्रिसमस को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोग उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों में आधिकारिक तौर पर क्रिसमस सीजन की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है। क्रिसमस आने में केवल 2 हफ्ते का समय रह गया है। ऐसे में दुनिया भर में फेस्टिवल की रौनक दिखने लगी है। अमेरिका से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक लोग क्रिसमस के जश्न की शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले आप अमेरिका की तस्वीरें देखिए, जहां क्रिसमस सीजन की पहली बर्फबारी ने कुछ ऐसा नजारा बना दिया। इस खास मौके को और भी यादगार बनाने के लिए बर्फबारी के बीच स्कीइंग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग सेंटा क्लॉज के गेटअप में शामिल हुए।
क्रिसमस से पहले सीजन की पहली स्नोफॉल में इस तरह से स्कीइंग पर लोगों ने क्रिसमस का स्वागत किया है। मैक्सिको सिटी में भी क्रिसमस की धूम दिखाई दी। क्रिसमस सीजन के स्वागत में यहां सेंटा रन नाम से एक रेस का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी लोग सेंटा क्लॉज की तरह बनकर इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। रेस के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की काफी भीड़ थी। एक तरफ लोग सेंटा क्लॉज बनकर रेस में हिस्सा ले रहे थे तो दूसरी तरफ अलग अलग गेटअप में सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। इंग्लैंड में भी लोग क्रिसमस मूड में रंग चुके हैं। लंदन में क्रिसमस हॉलीडेज शुरू हो चुके हैं। ऐसे में मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों को खुशियों का डबल डोज दे दिया। बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्ग तक क्रिसमस सीजन में स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए। बर्फीले मौसम में स्नोमैन से लेकर क्रिसमस ट्री सजाते नजर आए। इंग्लैंड में सीजन की पहली बर्फबारी में सब कुछ सफेद हो गया है। सड़कें बर्फ में ढक गई हैं, पेड़ों से लेकर लोगों के गार्डन तक बर्फीली चादर बिछ गई है। इंग्लैंड में जहां स्नोफॉल के दरमियान क्रिसमस सीजन का आगाज हुआ तो वहीं फ्रांस में भी क्रिसमस की सेलिब्रेशन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। यहां सेंटा क्लॉज के गेटअप में सैकड़ों लोग सड़क पर निकले। क्रिसमस सीजन की शुरुआत के मौके पर फ्रांस में एक ट्रायथन का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोग सेंटा बनकर शामिल हुए। सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई देखता ही रह गया। बोलिविया में भी क्रिसमस का कुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां क्रिसमस सीजन के स्वागत में एक शानदार परेड का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वक्त बदल रहा है मतलब हमारे जाने का वक्त आ गया है, तो चलते चलते एक बात, शोर को अनसुना कीजिए और अपने काम पर फोकस करिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जी हाँ, और फोकस ऐसा हो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ पाए, फिर देखिए सफलता आप तक जरूर आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तो कल चाय पर चर्चा में हम और आप एक बार फिर से चाय की चुस्कियां लेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, कुछ इंस्टा वाली स्टोरीज भी दिखाएंगे। तो आइएगा जरूर 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।